आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपके हाथ में मेन्यू है। मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स का लिस्ट है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ऑर्डर करें। खैर, बहुत देर तक सोचने के बाद आपने एक डिश ऑर्डर की और वो आ भी गई और आपने खाना शुरू भी कर दिया, लेकिन उसको खाते खाते भी आप ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए था और शायद कोई और डिश इससे बेटर होती। ये है डिसीजन लेने की प्रॉब्लम, जो सिर्फ खाना ऑर्डर करने में नहीं बल्कि लाइफ के हर मरहले में पाई जाती है। आप शॉपिंग के लिए गए, ढेर सारे कपड़ों के बीच आप डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन से कपड़े खरीदें। आपको किसी पार्टी में जाना है, लेकिन फिर से यू आर कंफ्यूज्ड के कौन से कपड़े पहने। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि डिसीजन लेना इतना हार्ड क्यों है? सो वन ऑफ द रीजंस इज फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, मतलब आपका गलत डिसीजन लेने का डर आपको डिसीजन लेने से रोकता है। चलिए मैं आपको दो दोस्तों की स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसको डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन रहता था और वो कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता था। जब भी कोई अहम डिसीजन लेने की बारी आती वो घबरा जाता। असल में वो एक इनडिसाइसिव पर्सन था। अगर आपको भी डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज महसूस होती है, मतलब आप भी एक इनडिसाइसिव पर्सन है, बट डोंट वरी, इसे दूर भी किया जा सकता है, जैसे कि उस लड़के ने किया। तो बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। उसकी दोस्ती एक दूसरे लड़के से हो गई, वो दोनों साथ में ही रहा करते थे, लेकिन उस दूसरे लड़के ने ये नोट कर लिया कि मेरे फ्रेंड को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ दिन तक उसको नोट करने के बाद उसने पहले वाले लड़के से ये बात की और वो बातें बताई जो उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इनडिसाइसिव होते हैं। उसने कहा कि भाई, मैंने देखा कि तू कोई भी फैसला करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है। क्यों भाई, ऐसा मत कर, बहुत ज्यादा सोचने से तू कोई भी फैसला ढंग से नहीं ले पाएगा। इस लड़के ने बहुत ही बेहतरीन बात बताई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और उसने ये भी कहा कि भाई, मैंने देखा कि फैसला करने के बाद भी तू बहुत देर तक सोचता रहता है। अरे भाई, एक बार तू फैसला कर ले तो उसके बाद तू बहुत मत सोचा कर, अपने किए हुए फैसले पर यकीन रख। तीसरी बात उसने ये बताई, तू हर चीज के परफेक्ट बनने के इंतजार में मत रहा कर। दोस्त, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन प्रिवेंट्स एक्शन। तो तू भला क्यों अपने फैसले को लेने में देरी करता है ये सोचकर कि फलानी चीज और भी बेहतर हो जाए, फिर ये काम शुरू करें। अरे दोस्त, ऐसा मत कर, वरना तू हमेशा इंतजार ही में रह जाएगा। मतलब डोंट स्ट्रेच, इफ यू हैव टू टेक डिसीजन, टेक इट नाउ। उसने फिर चौथी बात उसको बताई, उसने कहा, तू हर फैसला खुद ले लिया कर, तू जब कोई फैसला खुद के लिए नहीं लेगा तो तेरे लिए लोग फैसला लेंगे, दूसरों को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मत दे और अपने फैसले खुद ही ले लिया कर। कुछ लोगों से मशवरा लेना तो सही है, लेकिन हर किसी को बताते मत, फिर पूछते मत, फिर वरना तेरा फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। मेकिंग नो डिसीजन इज स्टिल अ डिसीजन, इट मींस यू आर अलाउइंग समवन एल्स टू मेक द डिसीजन फॉर यू। तो ये थी दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी जिसमें से हमको डिसीजन लेने की टिप्स मिलती हैं। खैर, वैसे आपको पता है वो दोस्त कौन था। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।